नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एलेक्जर ऑफ लाइफ में मैं आप लोगों का मनाली के खूबसूरत वादियों के साथ स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि प्रॉब्लम और सल्यूशन पे फोकस करने वाला हूं। इन दो पॉइंट्स पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कि यानी समस्या और समाधान, प्रॉब्लम एंड सल्यूशन, ये हमारे जिंदगी के सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट पहलू है। दोस्तों, ज़्यादातर हम सबको प्रॉब्लम के बारे में पता होता है और हम सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन करते हैं दोस्तों, वो हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करते हैं, हम उसके सल्यूशन के बारे में बहुत कम डिस्कशन करते हैं दोस्तों। तो आज मैं इसी बात पे फोकस करने वाला हूँ अपने इस आज के वीडियो में। और दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए ऑल बटन दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो से आप आसानी से अपडेट हो सकें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था प्रॉब्लम और सलूशन की। हमें हमेशा समस्या पे फोकस ना करके उसके समाधान पे फोकस करना है, और ये कैसे करना है और ये कैसे हमारे सक्सेस और हैप्पीनेस को कैसे अफेक्ट करती है, इसी पे मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज से हम इस बात पे प्रैक्टिस करेंगे कि हम प्रॉब्लम सभी को पता है, हम सिर्फ सल्यूशन पे यानी समस्या पे के जो सल्यूशन है, जो समाधान है, उस पे हम एक बार रिसर्च करें, हम उस पे फोकस करें और हम उसका उस पे काम करें। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि जैसे कि सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, हर व्यक्ति के जीवन में, दुनिया के जो भी इस दुनिया में जीवित है उसके जिंदगी में समस्याएं हैं, प्रतिदिन ढेर सारी समस्याएं, क्योंकि समस्या का होना ही हमारे जिंदा होने का सबूत है दोस्तों। क्योंकि एक मृत प्राय व्यक्ति कभी भी उसके पास समस्या नहीं होती। यदि समस्या से रहित कोई भी व्यक्ति को आप देखना चाहते हैं तो शमशान घाट हम जा सकते हैं, वहां पे हम देख सकते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति मृत हो गया है उसके पास कोई भी समस्या नहीं। इसका मतलब समस्या का होना ये सकारात्मक पहलू है, ये नकारात्मक पहलू कतई नहीं है, क्योंकि समस्या का होना यही इस बात का द्योतक है दोस्तों कि हम जीवित हैं। इसका मतलब समस्या है तो हम जिंदा हैं, बस इसके समाधान को ढूंढना ही एक्चुअल में जिंदगी है दोस्तों। तो ये हमारे सक्सेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। किस समय कौन सा डिसीजन हमें लेना है, यही हमारा समाधान का हिस्सा है, यही हमारा सलूशन है। तो जब समस्याएं आए और हमें लगने लगे कि हमें एक सलूशन चाहिए, तो हमें बस ये पता चल जाए कि उस समय हमें क्या करना है, कौन सा डिसीजन हमारे लिए उपयुक्त होगा, बस यदि हम उस पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली हमको हमारे लाइफ में हैप्पीनेस, जॉय और सक्सेस भी आएगी। मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को इस बात के लिए बताने की कोशिश करूंगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी हम किसी का सलूशन ढूंढें, उस समय यदि हमें सही बात पता चल जाए तो हम सक्सेस की ओर आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों, और हमारा सलूशन भी मिल जाएगा। मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को इस बात के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। ये बहुत पहले की एक स्टोरी है ये, और मैंने बहुत कहीं पढ़ी है और मुझे बहुत खूबसूरत ये स्टोरी लगी कि एक शिष्य होता है, वो जिंदगी में काफ़ी उलझनों से घिरा होता है, परेशान सा रहता है, उसके समस्याएं तो मैंने भी बताया ही, तो उसके पास भी समस्याएं होती है, लेकिन उसको सक्सेस होना होता है। तो वो अपने गुरुजी के पास जाता है और वो वहाँ पे पूछता है कि सक्सेस होने का, कि सक्सेस से ही हैप्पीनेस जुड़ी हुई है, तो सक्सेस उसके जो आज की डेट पे, तो सक्सेस यानी हमारे जो माइंड को है वो सक्सेस चाहिए। तो उसने पूछा कि गुरुजी बताइए मुझे सक्सेस होने के लिए कोई सा फार्मूला, कोई सा मंत्र बता दीजिए, कोई ऐसी चीज दीजिए जिससे कि मैं, ज्ञान दीजिए जिससे कि मैं सक्सेस हो जाऊँ। बोले ठीक है बेटा, कल आओ तुम। तो शिष्य चला गया और गुरुजी कल अर्ली मॉर्निंग में उसको बुलाया, और जब सुबह मॉर्निंग में जब वो शिष्य गुरु के पास पहुँचता है तो वो उसको अपने साथ नदी के किनारे ले जाते हैं, नदी की तरफ ले जाते हैं मॉर्निंग वॉक करते हुए। तो जब नदी के पास पहुंचते हैं तो उसको लगता है अब सक्सेस के बारे में बताएंगे। तो शिष्य पूछता उत्सुकता बस कि गुरुजी सक्सेस का फार्मूला बता दीजिए। तो बोलते रुको बेटा,
और नदी के अंदर बोलते नदी के अंदर आइए, तो नदी के अंदर वो चला जाता है और थोड़ा दूर घुटने तक पानी आ जाता है। तब पूछता है कि गुरु जी सक्सेस का और हैप्पीनेस का क्या मंत्र है, तो फिर वो थोड़ा सा और बोलते हैं कि और अंदर आ जाइए, तो उसके कमर तक पानी आ जाता है। उसको डर लगने लगता है कि ये मतलब पानी में क्यों ले जा रहे हैं, तो गुरु बोलते हैं डरना नहीं है, तुम और आगे आओ, और फिर वो पानी के और अंदर तक ले जाते हैं, और फिर उसका जो पानी का लेवल है वो गर्दन तक आ जाता है। और उसी समय जो शिष्य होता है वो घबराने लगता है और वो सोचता है कि ये सक्सेस का कौन सा फार्मूला है, अब तो गले तक पानी आ गया है। तो जब वो भागने वाला होता है, उसी समय वो भाग रहा होता है, उसी समय गुरु ने उसकी गर्दन को पकड़ के और उस पानी के अंदर पूरा डुबो दिया। और जैसे तो उसको तेजी से जैसे ही डुबो दिया, तो जब वो भागने वाला था तो पूरा उसको पानी के अंदर 1 मिनट तक डुबोए रहा, और उसके बाद गुरु जी ने उसका पूरा सर तेजी से बाहर छोड़ा, और वो शिष्य जो है बहुत तेजी से बाहर आया, और वो वहां से बहुत तेजी से भागा और नदी के किनारे भागा। फिर गुरु ने बोला रुको रुको रुको, तो वो फिर जाके बाहर रुकता है और फिर बोलता है कि गुरु जी आपने तो मुझे सक्सेस का मंत्र दिया नहीं, सक्सेस का ज्ञान दिया नहीं, कैसे मिलना है, कैसे हैप्पीनेस बढ़नी है, कैसे हमें लाइफ को हैप्पी करना है, लेकिन आपने मेरी जिंदगी जरूर खत्म करने वाले थे, यानी आपने मुझे डुबो दिया था। बोले मैंने तो सक्सेस का मंत्र बेटा तुमको दे दिया है, सक्सेस का ज्ञान मैंने तुमको दे दिया है। बोले जब तुम बाहर आए तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी हुई? उसने बोला मुझे ऑक्सीजन अंदर नहीं मिल रही थी, मैं अंदर सांस नहीं ले पा रहा था। तो जैसे ही बाहर आया, यदि मैं सांस नहीं लेता, सांस नहीं ले पाता, या मैं ऑक्सीजन नहीं ले पाता, इनहेल नहीं कर पाता, तो मैं मर जाता। तो सबसे पहले मुझे उस चीज की जरूरत थी, तो बाहर आके मैंने सबसे पहले उस चीज को लिया और उसके बाद मैं भागा। तो गुरु जी ने बोला शिष्य से कि बेटा यही सक्सेस है कि जिंदगी में जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है जीने के लिए, वही उसके लिए भी हम सबसे पहले उस चीज पे फोकस करेंगे, उसको लेंगे, फिर जिंदगी की दौड़ में शामिल होंगे, तो हम खुश रहेंगे, सक्सेस रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। और अंत में एक लाइन दो लाइनें, एक लाइन बहुत खूबसूरत याद आ गई है मुझे, और वो एक लाइन के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा कि दोस्तों जिंदगी में जिंदगी ढूंढना ही तो जिंदगी है। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बी नेचुरल। थैंक यू वेरी मच।